अस्सलाम वालेकुम जी, हम ना ये बस में सफ़र कर रहे हैं। ये दुबई की बस है। यहाँ के कानून ऐसे हैं कि जितनी सीट्स हैं ना उतनी ही सवारियाँ बैठेंगी, एक भी ज़्यादा नहीं बैठेगी। अगर ज़्यादा बैठेगी तो उसका 1000 दरहम जुर्माना है, और अगर चलती गाड़ी में कोई एक भी खड़ा होगा ना तो उसको भी 1000 रुपया गाड़ी वाले को जुर्माना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जब लोगों ने कानून बनाए हैं तो आप मुझे बताओ कि जिसको 1000 रुपया जुर्माना पड़ेगा वो कभी कानून तोड़ेगा? हमारे पाकिस्तान में ना तो कानून है और ना ही वहाँ पे कानून की पासदारी है और ना डिसिप्लिन है। और यहाँ का डिसिप्लिन देखें कि गाड़ियाँ इतनी हैं कि सोच समझ से ही बात बाहर है। ये तो ऑल वर्ल्ड का ही जो है ना ये इशू है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन आबादी के साथ ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर गाड़ियाँ ज़्यादा तो डिसिप्लिन भी बड़ा ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जनाब समझ लें कि वो जो हैं टूल प्लाजा वाले, घंटों वहाँ पे वेट करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, वार्डन वाले, पुलिस वाले, चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। यहाँ पे क्या सीन है कि हमने जहाँ गुजरना है, जहाँ इनका इमीन के टूल प्लाजा है वहाँ से हमने गुजरना है, और गाड़ी के नंबर से जो है ना उसको जो है ना 5 दरहम 10 दरहम जितना भी उनका जो है ना जी वो टैक्स चला जाना है। तो मज़ा हुआ ना यार, सर्विस का और चीज़ों का, मामलात का, डिसिप्लिन का। तो काइंडली हमने अभी ठीक होना है, बहुत सारा ठीक होना है। नेटवर्क बिज़नेस में तो चलें हम आ रहे हैं सारे लोग, नेटवर्क बिज़नेस में आने के साथ साथ हम थोड़ा सा डिसिप्लिन के बारे में भी स्टडी करें। शुक्रिया।